नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे बुद्धा विंस चैनल में। आज हम सुनेंगे बुद्धा की अनमोल कहानी धैर्य। जिस किसी आदमी में धैर्य नहीं होता, वह आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चल गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब पांचवा दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झांक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है।